नमस्ते भाइयों बहनों, मेरा नाम है उदय सिंह और गन टूर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसके पास बेहतर और ज्यादा हथियार हैं, हमारे पास या पाकिस्तानियों के पास, क्योंकि अगर कुछ शुरू होता है तो डिप्लोमेसी के अलावा सिर्फ हमारे हथियार और मिलिट्री पोटेंशियल ही सॉल्व कर सकता है सिचुएशन को। इसीलिए वीडियो को पॉज करिए और दबाइए लाइक एंड सब्सक्राइब। और अब भाइयों बहनों, हम बात करेंगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शायद वो कैसे शुरू होएगा और कैसे खत्म होएगा। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ भी शुरू होता है तो वो होएगा कश्मीर पे, क्योंकि कश्मीर हमारे लिए सर का ताज है और पाकिस्तान वहां पर कई सालों से आतंकवाद फैला रहा है। इसके अलावा 2611 टाइप अटैक्स, जिसमें 10 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने बॉम्बे में आतंकवादी हमले किए जिसमें 166 लोग मारे गए और 18 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। और पाकिस्तान चाहे कितना ही डिनाई करे, हम सबको सच्चाई मालूम है। शुरुआत होगी एयर फोर्सेस से। हमें फायदा है कि पाकिस्तान एक ज्यादा बड़ा देश नहीं है, उनके सारे एयर बेसिस हमारे फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की रेंज में हैं, लेकिन हमारे कई सारे एयर बेसिस पाकिस्तान के लिए रेंज में नहीं आते। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे पास उनसे ज्यादा बड़ी एयर फोर्स है जो उनकी एयर फोर्स को बहुत ही भयंकर झटका दे सकती है और कई बार सबक सिखाया हुआ है। हमने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है जहां पर हमने इंडियन MiG-29 और पाकिस्तान F-16 फाइटर प्लेन्स का इन डिटेल कंपैरिजन किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे मिलेगा। हमारे मिसाइल सिस्टम्स भी पाकिस्तानी बेसिस को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस पे भी हमने एक बहुत ही बढ़िया इन डिटेल वीडियो बनाई है, उसको देखना मत भूलना, लिंक आपको उसका भी नीचे मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं जो पाकिस्तानी प्लेन्स को भारतीय आसमानों में आते ही खत्म कर सकते हैं, जैसे कि रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई जहाज को उड़ा सकता है। अब पाकिस्तान के पास भी है एयर डिफेंस सिस्टम्स, लेकिन वे काफी पुराने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उनका फिक्र नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं नेवीज पर। यहाँ पर भी पाकिस्तान के पास बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इंडियन नेवी के पास हैं शिप्स, सबमरीन्स और दूसरे एसेट्स जो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं और बेहतर हैं। और भूलिए मत कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, INS विक्रमादित्य, एक कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जो 280 मीटर लंबा है और करीबन 20 फ्लोर ऊंचा है। इस पे स्टेशन है हमारी नेवी के फाइटर जेट्स जैसे कि MiG-29 और हेलीकॉप्टर्स जैसे कि चेतक और कामोव्स। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमने रशिया से खरीदा था और इसकी वजह से हमारी नेवी के पास बहुत ही ज्यादा तकड़ा हथियार है, एक तैरता हुआ एयरबेस। अब आते हैं हम अपनी भारतीय फौज पे। हमारी आर्मी दुगनी बड़ी है पाकिस्तान की आर्मी से, हमारी आर्मी के रिजर्व्स दुगने बड़े हैं पाकिस्तानी रिजर्व से, पैरामिलिट्री फोर्सेस 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी हैं पाकिस्तानी फोर्सेस से और कहीं ज्यादा बेहतर। इंडियन स्पेशल फोर्सेस पे भी हमने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको उसका नीचे मिलेगा। जो हथियार अब हमारे जवान इस्तेमाल करते हैं वो भी पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा बेहतर है, जैसे कि नई AK-203 जो हमारी आर्मी की स्टैंडर्ड इशू असॉल्ट राइफल होएगी। इस पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है, उसकी फैक्ट्री में मैं गया, उसको टेस्ट किया, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको उसका नीचे मिलेगा। अब इस सिनेरियो में जाहिर है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के डिफेंसेस टूट जाएंगे, क्योंकि वो हमारी आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब बात हो सकती है न्यूक्लियर वेपन्स की। अब दोनों पाकिस्तान और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर वेपन्स की तो वो उनके लिए एक सुइसाइड मूव होएगा, क्योंकि सारा पाकिस्तान का एरिया हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में है, लेकिन उनके मिसाइल्स इंडिया की पूरी टेरिटरी को कवर नहीं कर सकते, जैसे कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए बहुत बड़ी बेवकूफी होगी पाकिस्तान की तरफ से अगर ये इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। भाइयों बहनों, बहुत ही मुश्किल के वक्त चल रहे हैं पूरी दुनिया में, हर जगह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मिलिट्री प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं एक बहुत ही शांतिपूर्वक आदमी हूं, मैं चाहता हूं कि हर एक सिचुएशन प्रॉब्लम डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के पास इतना दिमाग शायद नहीं है कि वो हमारे साथ ये प्रॉब्लम डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर लें। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि हमारे देश के पास और हमारी आर्मी के पास इतनी ताकत है कि हम खुद ये प्रॉब्लम
सॉल्व कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, इस वीडियो का दुर्भाग्य से आ गया है अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और सबसे जरूरी बात कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, और हम बहुत जल्द मिलेंगे।